तो दोस्तों अभी यहाँ के ये वाले गटर रखना अभी भी बाकी है। और यदि मैं साइड में आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर लग रही है, अभी आपने देखा 23 नंबर चैनेज हमारा, और अभी हम जा रहे हैं 22500 नंबर चैनेज में, वहाँ पर चल रहा है ग्रेडर, तो वहाँ पर जाके आप। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए ब्लॉग में। दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत हम कर रहे हैं घोड़े घाट से, समृद्धि महामार्ग नागपुर टू मुंबई एक्सप्रेस वे पैकेज फर्स्ट नागपुर से। और दोस्तों अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि घोड़े घाट में यहाँ पर क्या काम चल रहा है, तो वीडियो में बने रहें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं रोड प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई अधिकांश वीडियो लाते रहता हूं। तो आइए दोस्तों अभी मैं बैक कैमरा चालू करके आपको दिखाता हूं कि यहां पर क्या काम चल रहा है। तो दोस्तों अभी यहां के ये वाले गटर रखना अभी भी बाकी हैं। और यदि मैं साइड में आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर लग रही है सरिया और शटरिंग हो रहा है, ये सामने वाले का ऊपर का राफ्ट का देख सकते हैं, बंदे लोग काम कर रहे हैं। और यहीं पर खड़ी हुई है क्रेन, और हाइड्रा भी यहीं पर खड़ा हुआ है जो कि सरिया ये प्लाई ऊपर देगा, नीचे से ऊपर हाइड्रा ये प्लाई को पहुंचाएगा। और अभी मैं आपको क्रेन दिखा देता हूं दोनों, और ये खड़ी हुई है क्रेन, एक कोबल्को की है और एक और क्रेन है जी उसकी। देख सकते हैं ये कोबल्को की नई क्रेन है एकदम, ज़्यादा ज़्यादा एक साल हुए हैं इस क्रेन को। और अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ आगे का काम चल रहा है। हाइड्रा से प्लाई को ऊपर भेजा जा रहा है। एक हाइड्रा है और इसका वीडियो मैं बना चुका हूं, यदि आप बोले तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो अभी दोस्तों अधिकांश लेबर आ चुकी है, तो काम अभी स्पीड से चल रहा है, पहले से ज्यादा स्पीड पकड़ ली काम ने। और यदि मैं आपको दिखाऊं तो इसका तो नहीं, लेकिन इसके आगे भी राफ्ट का ऊपर के स्लैब का शटरिंग बन रही है, ऊपर स्लैब की शटरिंग बन रही है, इस वगैरह नहीं बन रही है, बाकी शटरिंग इसकी भी लग रही है और इस वाले की भी लग रही है। और यहीं पर सरिया बैंड करा जा रहा है, लेबर लोग सरिया बैंड करके डायरेक्ट हाइड्रा से ऊपर पहुंचा दिया जाता है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो, और आगे चल रही है महिंद्रा अर्थमास्टर जेसीबी। यहाँ कुछ इस तरीके का नज़ारा है, काम चारों तरफ चल रहा है, यहाँ पर देखे तो इस साइड भी काम चल रहा है, अधिकांश जगह काम चल रहा है अभी। क्या बोले बाबू? और यहीं पर भरे हुए हैं क्यूब, और ये हैगा
हमारा छोटा सा डीजल टैंकर। तो दोस्तों अभी आपने देखा 23 नंबर चैलेंज हमारा, और अभी हम जा रहे हैं 22500 नंबर चैलेंज में। वहां पर चल रहा है ग्रेडर, तो वहां पर जाके आपको दिखाता हूं कि ग्रेडर चल रहा है वहां पर, और वहां पर पीकेसी भी हो गई, वो भी आपको दिखाता हूं। और दोस्तों बहुत से व्यूवर्स बोल रहे हैं कि जॉब के लिए, तो दोस्तों अभी बरसात चल रही है, अभी वैकेंसी नहीं बची है, क्योंकि जिस टाइम में थी उस टाइम में मैं आप लोगों को बहुत बोला है, पिछले वीडियो भी देख सकते हैं आप कि मैंने कई बार बुलाया हैगा। तो अभी जॉब के लिए वैकेंसी है नहीं, और जब भी होगी तो मैं आपको बता दूंगा। उसके लिए आप मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कर लें, क्योंकि इंस्टाग्राम में मैं यहाँ पर बहुत सारे कमेंट आते हैं तो एक साथ में मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ, लेकिन इंस्टाग्राम में यदि आप लोग फॉलो करेंगे तो फिर मैं जवाब दे सकता हूँ आपका। और इंस्टाग्राम की लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं। और अभी आपको दिखाते हैं 23 नंबर चैलेंज, 22500 नंबर चैलेंज कि वहाँ पर क्या काम चल रहा है। तो दोस्तों अभी हम आए थे 22500 नंबर चैलेंज पे, और यहाँ पर चल रहा है ग्रेडर, देख सकते हैं। बहुत ही हेवी ग्रेडर है ये, बिमल कंपनी का BG65R। बिमल टर्बो। और यही सामने हमारी 23 नंबर चैलेंज। ये है हमारा 22500 का ब्रिज, सामने देख सकते हैं। ये है हमारी 23 नंबर चैलेंज। साइड को है हमारा 22 नंबर चैलेंज, देख सकते हैं। यहाँ पर PQC DLC दोनों हो चुका है, PQC DLC दोनों होके रेडी है। और आगे भी यदि मैं आपको दिखाऊं तो आगे साइड भी रेडी है। और दोस्तों ये एक 8 लाइन रोड है, चार गाड़ी एक साइड से निकलेगी, चार गाड़ी इस साइड से निकलेगी। यदि मैं आपको दिखाऊं तो बीच बीच में जो लाइनिंग आप देख रहे हैं
यहाँ पर एक गाड़ी निकल जाएगी, फर्स्ट गाड़ी यहाँ से हो गई, सेकंड गाड़ी यदि मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ से आ जाएगी इस वाले एरिया से, और जो थर्ड गाड़ी रहेगी वो इस वाले एरिया से आ जाएगी, और जो फोर्थ गाड़ी रहेगी वो ये लास्ट वाले एरिया से निकल जाएगी। और फिर भी थोड़ा थोड़ा जगह अभी भी है निकल देखा जाए। इस तरीके से हमारा 22 नंबर चेंज है, और इस तरीके से रहे हमारे। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, यदि अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर करें, और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद सभी को। भारत माता की जय दोस्तों।